नमस्कार, स्वागत है आपका DTW 24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राधा। बिहार की कई नदियां उफान पर है और बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग काफ़ी परेशान हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि पटना समेत 28 जिलों में बुधवार से भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, नवादा सहित बिहार के 28 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कई जगहों पर वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में हवा का लो लेवल प्रेशर बनने के कारण एक नया सिस्टम सक्रिय है और इसी कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर बदलेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 19 अगस्त से बंगाल की खाड़ी में यह सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण हवा का निम्न स्तर का दबाव अच्छी खासी बारिश कराएगा। बारिश की आशंका के बीच 12 लाख लोग अभी भी बाढ़ के चपेट में हैं। इस तरह अब तक बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की संख्या 81,56,000 से अधिक हो गई है। राज्य के 16 जिलों के 130 प्रखंडों की 1311 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुई है। इन इलाके के लोगों को बारिश की आशंका भर से दहशत कायम हो जाता है। जिन जगहों पर पानी घटा है वहां फिर से पानी आने का डर सताने लगा है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया कि कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी काफी कम हुआ है। इस कारण अब सामुदायिक किचन की संख्या घटकर 653 हो गई है, जहां पर प्रतिदिन 5,30,000 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। वहीं अब 10 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां पर 12,000 लोग रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित 8,45,000 परिवारों के खाते में 6,000 रुपए की सहायता राशि भेज दी गई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार नेपाल और बिहार के जलग्रहण क्षेत्र में 9 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। गंगा भी पटना और कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागमती नदी सीतामढ़ी जिले के ढेंग ब्रिज से 10 सेंटीमीटर, मुजफ्फरपुर जिले के रून्नी सैदपुर में 87 सेंटीमीटर और बेनीबाद में 71 सेंटीमीटर, दरभंगा के हाईघाट में 180 सेंटीमीटर तथा बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर सिकंदरपुर में 18 सेंटीमीटर, समस्तीपुर में 40 सेंटीमीटर, रोसरा में 185 और खगड़िया में 67 सेंटीमीटर तथा पुनपुन नदी का जलस्तर पटना जिले के श्रीपालपुर में 120 सेंटीमीटर ऊपर पहुँच गया है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW 24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।